हेलो फ्रेंड्स कैसा सब लोग तो फ्रेंड्स आज आपके सी की या जिसके आप लोगों ने अलग अलग नाम रखे हुए हैं उसकी क्लास नंबर सेकंड क्लास नंबर सेकंड के अंदर आज मैं कराऊंगा आपको डेवलपमेंट की स्टेजेस यानी विकास की अवस्थाएं क्लास नंबर फर्स्ट मैंने आपको कराई थी और क्लास नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया था यानी वृद्धि और विकास के बारे में बताया था अगर आप लोगों ने क्लास फर्स्ट नहीं देखी तो क्लास फर्स्ट आप लोग जाके देख लेना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें होती है वो सब मैंने आपको क्लास फर्स्ट के अंदर बता दी थी आज मैं आपको विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊंगा सैसा अवस्था बाल अवस्था किशोरावस्था गर्भावस्था वो सारी चीजें उनसे संबंधित जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने बताया हुआ है जितने मेन मेन आपके चैप्टर होते हैं उन सभी मेन मेन चैप्टर को लेकर उनसे रिलेटेड जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को ये मैंने जो सीरीज चलाई हुई है उस सीरीज के अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ ठीक है उस की, आज आपकी क्लास है, और इसी तरीके से एक एक करके एग्जाम में आते हैं एग्जाम हो चाहे आपका सी टेट का हो बिहार का सेवंथ फेज हो यूपी टेट हो सुपर टेट हो डी ट्रिपल का हो या कोई भी आपका स्टेट का और टेट का टीचिंग का एग्जाम हो जैसे कोई एग्जाम आएगा फिर उसकी प्लानिंग हम लोग करेंगे और फिर उसके हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर देंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास को जो आपकी क्लास नंबर सेकंड है और क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और उसके साथ ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो बच्चे नए आए हैं उनको बाकी की वीडियो मिलती रहे वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कर आप लोग करी देते हो बाकी एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना ठीक है जो लोग पूछ रहे थे फर्स्ट क्लास के अंदर कि सर डी ट्री प्लस वी का अगर जिसको कोर्स लेना है तो इस एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी तो चलिए सामने आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया और साथ के साथ आप भी आंसर देने की कोशिश करना जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी बाकी चीजें तो मैं आपको समझाई देता हूं ठीक है जी सभी को गुड इवनिंग और आप लोग आंसर देना है एक एक करके ठीक है मैं ठीक हूं आई होप आप लोग सब ठीक होंगे तो चलिए आ जाते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया है ठीक है भाई सभी को गुड इवनिंग ठीक चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ पहला क्वेश्चन जो सामने आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से गर्भ का कौन सा व्यवहार सही है वो आपको बताना है कि गर्भ का निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सही है जब बच्चा मां के पेट में होता है गर्भ के अंदर होता है तो कौन से व्यवहार करता है दो व्यवहार ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहां पर दिए हुए इनमें से आपको बताना है कि कौन सा व्यवहार सही है ठीक है थोड़ा सा इसको मैं अगर आपको पहले एक्सप्लेन कर दू तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी इसके ऊपर एक बार नजर डाल लीजिए देखिए पहले मैं आपको इस स्टेज के बारे में बता देता हूं जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है यानी गर्भ के अंदर रहता है ठीक है देखिए इस स्टेज को कहा जाता है यह शायद आप सभी को पता होगी जब बच्चा मां के पेट में होता है तो इस स्टेज को कहा जाता है आपका प्री नेटल स्टेज ठीक है क्या कहा जाता है इसको प्री नेटल स्टेज यानी कि परसवपूर्ण अवस्था इसको कहा जाता है आपका परसों की अवस्था ठीक है इसको कहा जाता है आपका परसों पूर्व अवस्था कहा जाता है जब बच्चा मां के पेट में होता है तो बेसिकली यहां पर जो बच्चे का विकास होता है वो तीन स्टेज के अंदर होता है और कई बार जो आपका मेन एग्जाम होता है लाइक आपका जैसे कोई बड़ा एग्जाम हुआ डी ट्रिपल बी का एग्जाम हुआ या जहां पर चीजें डिटेल में पूछी जाती है तो यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए कौन कौन सी तीन स्टेज होती है जरा उनके ऊपर एक बार नजर डालिए कि कौन कौन सी आपकी तीन स्टेज होती है ठीक है जहां पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है जब बच्चा मां के पेट में यानी गर्भ के अंदर होता है तो देखिये तीन स्टेज में आपको बताता हूं जहां पर बच्चे का जो होता है विकास होता है जब बच्चा मां के पेट में होता है ठीक है ये मैंने एक ड्रॉइंग बना दी और कोई मेरी ड्रॉइंग का भाई मजाक नहीं उड़ाएगा पहले ही बता दे रहा हूं ठीक है पहली स्टेज होती है आपकी जो है आपकी डिंबावस्था ठीक है पहली स्टेज आपकी डिंबावस्था जिसको कि जाना जाता है जर्मिनल स्टेज के नाम से ठीक है जर्मिनल स्टेज के नाम से जिसका टाइम पीरियड होता है लगभग आपका दो सप्ताह का ठीक है इसका टाइम पीरियड होता है आपका दो सप्ताह का ठीक है दूसरी स्टेज होती है आपकी भूणावस्था जब यहां पर बच्चा भूण की शेप ले लेता है यानी उसके बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है दूसरी स्टेज होती आपकी के अंदर बच्चा आ जाता है आपकी पहली स्टेज में बच्चा लगभग दो हफ्ता तक रहता है जिसके अंदर बनते हैं अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिलते हैं क्या बनते हैं अंडाणु और शुक्राणु एक साथ मिलते हैं मेल और फीमेल के ठीक है मेल और फीमेल के जो अंडाणु होते हैं और जो शुक्राणु होते हैं उनका यहां पर मिलना होता है मिलन होता है उसके बाद जब यहां से मिलके भूर्णावस्था में जाते हैं जो भूण बनता है जहां पर बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है इसका टाइम पीरियड लगभग होता है आपका दो महीने का टाइम पीरियड होता है जिसमें लगभग बॉडी का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है ठीक है ये भूण की मैंने सेब सी बना दी गंदी सी सेब बन नहीं है लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लेना मेरी ड्रॉइंग के साथ टूटी फूटी ड्रॉइंग के साथ ठीक है ये भूण अवस्था के अंदर होता है जहां पर क्वेश्चन आपका फुटअप हुआ है कि जो भूण रहता है या मां के गर्भ में रहता है तो कैसा व्यवहार प्रदर्शित करता है भूण के बाद जब बच्चा मां के पेट में मतलब गर्भवस्था के अंदर रहता है यह रहता पूरे टोटल आपके महीने तक कितने तक नौ महीने तक रहता है या फिर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कितने दिन तक तो दिन की अगर बात करें तो वो रहता है 280 दिन तक रहता है कितने 280 दिन तक रहता है जो बच्चा माँ के पेट में रहता है ठीक है ये रहा बच्चा इसको मैंने एक ड्रॉइंग के माध्यम से बना दिया ये तीन स्टेज रहती है डिम्बावस्था भूणावस्था और आपकी गर्भावस्था रहती है अब देखिए क्वेश्चन एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन उसने हमसे पूछा है कि जो व्यवहार बच्चा करता है ठीक है तो उसमें पहला व्यवहार दिया है कि भूण की जो सबसे पहली पता लगने योग्य हलचल है उनके हाथ की हलचल होती है यानी जो भूण हलचल करता है जब बच्चा मां के पेट में होता है जो भूण रहता है तो जब वो हलचल करता है तो सबसे पहले अपने हाथ की हलचल करता है क्या ऐसा पॉसिबल है देखिए जब वो पेट के अंदर होता है ना तो जो हलचल करता है वो अपने हाथ की नहीं करता आपने मूवी में भी देखा होगा रियल के अंदर भी देखा होगा जब आपका बच्चे हुए होंगे या घर के अंदर हुए होंगे तो माँ के पेट के जब लगाते हैं कान को तो आपने सुना होगा क्या रे यार बच्चे ने तो लात मारी ठीक है क्या करी बच्चे ने लात मारी क्या आपने कभी सुना है कि बच्चे ने हाथ मारा या बच्चे ने सर मारा या कुछ और मारा कभी नहीं सुना तो हमेशा आपने क्या सुना है कि बच्चे ने लात मारी इसी को टर्म को यूज किया जाता है भूण किक के नाम से जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है भूण की किक के नाम से इसको जाना जाता है किससे भूण की किक से यही तो सुनते हो आप कि देखो बच्चे ने लात मारी मेरे बच्चे ने पेट के अंदर लात मार रहा है बहुत लाते मारता है ऐसे डायलॉग आप लोग बहुत पहले से सुनते आ रहे हो तो बच्चा जब पेट के अंदर जो व्यवहार करता है ना वो हाथ नहीं मारता वो क्या मारता है किक मारता है यानी कि लात मारता है तो पहला ऑप्शन जो इसने यहां पर दिया है कि वो हाथ की हलचल होती है तो वो हाथ की हलचल नहीं करता भाई वो क्या, वो वो क्या वो करता है वो यहां पर पैर की हलचल करता है यानी कि किक मारता है यहां पर बच्चा तो पहला ऑप्शन तो यहां पर क्या हो गया पहला ऑप्शन यहां पर गलत हो गया ये बात आप लोग समझ गए दूसरा इसने दिया हुआ है कि सोलह सप्ताह तक ठीक है यानी दो महीने तक ठीक है तो दो महीने का टाइम पीरियड यहां पर दिया हुआ है दो महीने तक अब देखिए जब बच्चा लगभग तीन महीने का हो जाता है ना तो दो महीने तक तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर सा बनना शुरू हो जाता है जब बच्चा लगभग तीन महीने का हो जाता है ना तो उसके जो जननांग है ना वो भी बनने शुरू हो जाते हैं यही पर कुछ राक्षस भी देखने को निकलते हैं कुछ राक्षस ऐसे देखने को निकलते हैं अब जैसे जननांग बच्चे के बनना शुरू हो जाते हैं तो चेक करवा लेते हैं कि लड़का होता है लड़की होती है अगर ज्यादातर केस में ऐसा देखने को मिलता है जैसे मान लीजिए कोई लड़की होती है और कोई राक्षस को पता लग जाए तो बिचारियों को पेट में ही मरवा देता है ठीक है तो ऐसा हमारे सोसाइटी के अंदर देखने को मिलता है तभी तो इस चीज पर बैन पाबंदी है सरकार ने और वैसे लगवाई हुई है ठीक है तो ये इस केस में ऐसे देखने को मिल जाता है ठीक है तो ऐसा गंदा काम करने वाले भी सोसाइटी के अंदर भरे हुए ठीक तो दूसरा जो ऑप्शन इसने दिया हुआ है कि 16 सप्ताह तक बाहरी स्पर्श के लिए बाहरी स्पर्श के लिए भूड की प्रतिक्रिया संपर्क के क्षेत्र में स्थानीय करत होती है ठीक है जो भी आप बाहर से टच करोगे या कुछ करोगे तो कुछ ना कुछ वो हरकत जरूर दिखाएगा या किक के थ्रू प्रदर्शित करेगा तो दूसरा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल ठीक बैठता है तो भाई पहला ऑप्शन यहां पर गलत है बट दूसरा ऑप्शन यहां पर ठीक बैठ गया ठीक है तो इस तरीके से जो आपकी प्री नेटल स्टेज होती है यानी जो आपकी परसों पूर्व की अवस्था होती है जहां पर बच्चा अपने नौ महीने या फिर कह सकते हो दो दिन को बिताता है वो पूरी की पूरी मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दी है आईओप ये पूरी आपकी समझ में आ गई होगी सिर्फ मेरी ड्रॉइंग को छोड़कर ठीक है और वरना स्टेज आपको समझ में आ गई होगी चलिए बढ़ते भाई आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन ठीक है ये रहा अगला क्वेश्चन जो आ गया आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते भाई आपका ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कि सहसवावस्था के लिए सबसे उत्तम शिक्षण विधि क्या हो जाएगी जो आपकी सहसवावस्था है अब गर्भावस्था तो खत्म होगी गर्भावस्था के बाद अब बच्चा पैदा हो गया और पैदा होने के बाद कौन सी दूसरी स्टेज आ गई सहसवावस्था आ गई ठीक है यानी इन्फेंसी आ गई तो इन्फेंसी यानी सहसो का टाइम पीरियड कितना होता है आपका जन्म से लेके दो साल तक का टाइम पीरियड होता है ठीक है जन्म से लेकर दो साल तक का टाइम पीरियड होता है एक बात और ध्यान रखना अरे पूरा ही चला गया ये तो ठीक है तो ये होता है आपका जन्म से लेके जब बच्चा दो साल का होता है ये जितने टाइम पीरियड होते हैं ना ये इनके अंदर बड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट को सर कहीं पर जैसे जैसा डोलसन का टाइम पीरियड होता है उसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन रहती है सर कहीं पर ये लिखा है कहीं पर वो लिखा है तो उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा पहले अडोलसेंस को यानी दो बट थोड़ा इनको डेट के अकॉर्डिंग याद रखोगे ना तो सहूलियत हो जाएगी कि अच्छा दो साल का बच्चा है तो ये हरकत करता होगा छह साल तक का बच्चा है तो ये हरकत करता होगा ठीक है तो टाइम पीरियड को जरूर याद करना बट अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन तो उसका सोल्यूशन मैं बताऊंगा कैसे सोल्यूशन करना है आपको ठीक है अब यहां पर सहस की बात हो रही है यानी बच्चा जब दो साल का है अगर आपको ध्यान हो जो मैंने भी कल क्लास ली थी फर्स्ट क्लास ली थी मैंने बताया था कि जो दो साल का बच्चा होता है सहसो के अंदर बच्चा होता है वो जितने भी वो अपना व्यवहार करता है बिहेवियर जो उसका रहता है वो किस पर आधारित रहता है वो आधारित रहता है उसकी मूल प्रवृत्तियों पर ठीक है किस पर आधारित रहता है वो उसकी मूल पर... परव प्रवृतियों पर उसका आधारित रहता है ठीक है मान लीजिए बच्चों को जैसे मैंने बताया था मान लीजिए बच्चों को भूख लगती है तो भूख लगने पर बच्चा क्या काम कैसा व्यवहार करना शुरू करता है रोना शुरू करता है बच्चा आनंद के अंदर रहता है तो बच्चा हंसना शुरू कर देता है ठीक है तो इस प्रकार से बच्चे का जो भी व्यवहार रहेगा वो उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है ठीक है सिर्फ अपना किसका इस्तेमाल करता है अपने भेजे का इस्तेमाल करता है बच्चा और किसी का इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि दो साल के बच्चे को इतना निपुण नहीं हो पाता कि वो अपनी सारी मोटर स्किल्स का बच्चा यूज कर सके देखिए मोटर स्किल्स से संबंधित एक चीज और निकल कर आई कि जो बच्चा होता है ना लगभग जो आपका एक महीने का जो बच्चा होता है एक महीने के बच्चों को जो अपना नियंत्रण करना आता है ठीक है जो बच्चा नियंत्रण करना सीखता है ना सबसे पहले किस पर नियंत्रण करना सीखता है वो सबसे पहले नियंत्रण करना सीखता है अपने हेड पर यानी अपने सर पर कंट्रोल करना सीखता है आपने देखा होगा जैसे मान लीजिए बच्चों को भूख लगी तो भूख लगने के बाद उसको सीधा इंडिकेट आता है कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझको दूध मिल जाएगा ठीक है तो इसलिए उसको सर पर कंट्रोल करना आता है या उसको माइंड के अंदर उसको, उसको पता है उसके सेंसरी ऑर्गन उसको बता देते अगर तू वाला काम करेगा तो ये वाला काम हो जाएगा ठीक है और बाकी बॉडी पार्ट के अंदर भी उसको सबसे पहले उसका हेड ही उसका डेवलप होता है ठीक है तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे पहले बच्चे के कौन सा बॉडी पार्ट उसका डेवलप हो सॉरी कंट्रोल करता है बच्चा अपने किस बॉडी पार्ट पर कंट्रोल पा लेता है यानी नियंत्रण पा लेता है तो वो होता है उसका हेड होता है यानी कि उसका सर होता है ठीक है अगर बहुत ज्यादा डीप में पूछ लिया आज तक कभी पूछा नहीं है अगर उसके बाद ही पूछ लिया फिर उसके बाद कौन से करता है फिर होती है उसकी नेक यानी कि गर्दन छोटे बच्चों को आपने देखा होगा उसको गर्दन उसको उठा लो आप कभी उसकी गर्दन यूं जाएंगी कभी उसकी यूं जाएंगी ठीक है ऊपर नीचे जाएगी तो बच्चे की गर्दन पर उसका कंट्रोल नहीं आता लेकिन जब उसको हेड पर आ जाएगा ना कंट्रोल तो फिर उसको उसकी गर्दन पर भी आ जाता है गर्दन के बाद फिर उसका नीचे का जो पार्ट होता है बॉडी का फिर उस पर आ जाता है बट आपके एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं आएगा यह भी बहुत ज्यादा डिटेल में पूछा गया है ठीक है कि सबसे पहले उसको उसके हेड पर कंट्रोल आना शुरू हो जाता है Sea, उसके बाद एक महीने के बाद मान लीजिए थोड़ा सा स्कोर बता देता हूं डिटेल में जब बच्चा छह महीने का हो जाता है ठीक है जब बच्चा छह महीने का हो जाता है तो बच्चा लगभग बैठना सीख जाता है क्या सीख जाता है बच्चा लगभग छह महीने का सीख जाता है बैठना सीख जाता है ठीक है अपने आप ही बैठना सीख जाता है यही से एक क्वेश्चन और निकल कर आ जाता है कि बच्चा लगभग जब दस सात महीने से लेकर दस महीने का होता है तो बच्चा जब रेंगना सीखता है देखो भाई ये क्वेश्चन बड़ा डिटेल में पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया था डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में कि बच्चा रेंगना कब सीखता है तो उसके लिए पर्टिकुलर ऑप्शन के अंदर टाइम दिया हुआ था तो कब सीखता है सात से दस महीने के अंदर सीखता है तो अगर एग्जामिनर ने बहुत ज्यादा चीज डिटेल में दी किसी भी टीचिंग एग्जाम में ठीक है इससे ज्यादा तो खैर डिटेल में नहीं देगा तो इतना दे सकता है आपको कि रेंगना कब सीखता है जब बच्चा लगभग सात से दस महीने का बच्चा होता है तो रेंगना सीख जाता है अच्छा इसमें एक चीज अगर ये पूछ ले कि बच्चा बैलेंस बनाकर कब चलना सीख जाता है यानी बच्चों को बैलेंस बनाना कब आ जाता है बैलेंस बनाकर चलना कब सीखता है हम लोगों ने कब सीखा था बैलेंस बनाकर चलना वो आती थी वो एक लकड़ी की वो आ, क्या बोलते हैं उसको आ, लकड़ी के अंदर वो लगे थे गोल गोल से लट्टू से आ, टायर से छोटे से और लकड़ी को गाड़ी सी थी तो मैं हम भी मतलब छोटे से थे हमारे बहन भाई ने उसी से सीखा है उसको पकड़ लेते थे और उसको चलते रहते थे तो उससे बैलेंस बन जाता था तो बेसिकली जो बच्चे की जो एज दी हुई है बैलेंस बनाने की वो दी हुई है डेढ़ साल यानी जब बच्चा डेढ़ साल का होता है तो उसको बैलेंस बनाना आ जाता है ठीक है ये कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड है तो जो यहाँ पर दिए हुए और जब लगभग बच्चा आपका दो साल का हो जाता है शहर अवस्था के अंदर तो अपना चलने के अंदर उसको आसानी पूरी की पूरी हो जाती है ठीक है क्या नाम है यार उसका नाम बताओ वो लकड़ी की जो गाड़ी सी होती है चलाने वाली उसको यूं पकड़ो और फिर सीधे भागते हुए चले जाओ उसके ऊपर ठीक है तो इस तरीके से जो आपकी सहसवावस्था होती है उसमें जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो इस प्रकार से होता है ठीक है इसमें मैंने अगर आपको एक चीज और बताई थी कि सहसावस्था के अंदर जो होता है बच्चे के अंदर नैतिकता भी नहीं पाई जाती क्या नहीं पाई जाती नैतिक नैतिकता यानी मोरलिटी नहीं पाई जाती आप बच्चों से कुछ भी बच्चों के सामने किसी को भी लेकर आ जाओ कोई भी बड़े से बड़ा आदमी बड़े से बड़ा नेता किसी को लेकर आ जाओ बच्चा उसके ऊपर सुसू कर देगा आप बड़े से बड़े आदमी को उसके सामने खड़ा कर दो और उसको धमकवा दो ठीक है बच्चा उल्टा उसके गाल पे मार देगा बच्चों को मतलब ही नहीं है किसी चीज से ठीक है तो इसलिए बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं, नहीं पा पाई जाती तो ये कुछ चीजें मैंने बताई जो आपकी सहस्था से जुड़ी हुई है ठीक है अब यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया कि सहस अवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी अब बताओ दो साल के बच्चे के लिए कौन सी शिक्षण विधि सबसे बढ़िया होगी पहली है मोन्टेसरी विधि जो आपकी मोरिया आ, मारिया मोन्टेश ने दी थी मारिया मोन्टेसरी ने जब यह विधि दी थी तो इन्होंने कहा था कि भाई जो आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हो तो जरूरी थोड़ी है बच्चा औपचारिक शिक्षा ग्रहण करके कुछ सीख पाएगा औपचारिक शिक्षा यानी जब बच्चा स्कूल में जाएगा तभी सीख पाएगा स्कूल से पहले भी बच्चा सीख लेता है जिसके ऊपर आजकल सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है जिसकी बात मैं आपको करी रहा हूँ जैसे आंगनबाड़ी के नाम से जो आपकी फेमस हो रही है ठीक है जो बालवाटिका के नाम से फेमस हो रही है तो बच्चों को आप एक्टिविटी कराओ उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें कराओ उसके थ्रू बच्चा सीख जाएगा तो ये दो साल के बच्चे के लिए बढ़िया रहेगी खेल विधि खेल विधि के माध्यम से बच्चा ज्यादा ज्यादा चीजें सीखेगा दो साल का बच्चा खेल विधि के माध्यम से सीखेगा ठीक है किंडर विधि ठीक है तो बाल बाटिका के नाम से फेमस आपका किंडर गार्टन विधि तो इसके माध्यम से बच्चा ज्यादा सीखेगा ठीक है तो प्रतिपादक और बताओ इनको एक का तो तो मैंने बता दिया प्रतिपादक और बताओ इनको ठीक है तो ये इनके माध्यम से जो होता है बच्चा जो दो साल का है वो सबसे बढ़िया और सबसे इफेक्टिव तरीके से सीखेगा देखिए किंडर गार्टन में एक चीज है जो किंडर गार्टन की जो प्रणाली है जो हमारे देश के अंदर जो चली थी वो तीन स्टेप में चली थी इसके बारे में देखिए ठीक है अगर कोई चीज डिटेल में भी आ जाए कितने स्टेप में चली थी तीन स्टेप में चली थी एक तो चली थी प्ले ग्रुप में चली थी किसमें तो जूनियर किंडर गार्टन में जूनियर किंडर गार्डन में चली थी ठीक है जिसको आप लोग कहते हो एल के जी यही कहते हो ना एल के जी लोअर किंडर एक चली थी आपकी सीनियर किंडर जिसको बोलते हो आप लोग यूकेजी ठीक है यानी अपर किंडर गार्डन ठीक है यह सभी जो आपकी विधिया प्री स्कूल के लिए यानी स्कूल के जाने से पहले की यह विधिया है ताकि बच्चा स्कूल जाने से पहले खेल खेल के माध्यम से एक्टिविटीज के माध्यम से चीजें सीख जाए क्योंकि दो साल का बच्चा है दो साल का बच्चा इन एक्टिविटीज के माध्यम से चीजें सीख जाएगा ठीक है तो देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा सहस वस्था आपका निचोड़ दिया ठीक है तो यानी आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा आई होप आप लोग इसको यहां पर समझ गए होंगे ठीक है ठीक है हाँ इसका हो गया ना यहां पर भाई पूरा पोस्टमार्टम पूरे क्वेश्चन का ठीक चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा ठीक फ्रोबेल अच्छा ठीक है भाई ठीक है भाई ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सामने देखिए स्क्रीन पर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विकास की किस अवस्था में बच्चों को कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं कल्पनाशीलता वाले गेम को उनसे रहते हैं कि भाई ये मेरा गुड्डा है ये बनेगा राजा अच्छा तो ये मेरी गुड़िया है ये बनेगी रानी तो हम इनका एक साम्राज्य बना देंगे और साम्राज्य बना के फिर अपनी सल्तनत बनवाएंगे ठीक है तो इस तरीके से कल्पनाशीलता वाले गेम खिलवाते थे हमने बचपन के अंदर बहुत कल्पनाशीलता वाले गेम खेले कुछ ऐसे गेम भी है जो हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते ठीक है बहुत खतरनाक खतरनाक गेम खेले हुए ठीक है थीके? आप लोगों ने भी ऐसे कल्पनाशीलता वाले गेम बहुत खेले होंगे और सभी ने किस में खेले हो कल्पनाशीलता वाले गेम बचपन के अंदर ऐसे कल्पनाशीलता वाले गेम खेले हुए ठीक है तो एक कल्पनाशीलता वाले जो गेम रहते हैं जो ऐसे इमेज इमेजिन करके जो आप बच्चा गेम खेलता है वो किस स्टेज में खेलता है वो आपको बताना है तो देखो यार इन्फेंसी के अंदर तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं है दो साल के बच्चों को तो इसके अंदर तो आपका होने नहीं सरा तो ये होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड के अंदर यानी कि आपकी प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर होता है ठीक है यानी जब बच्चा आपका दो साल से लेके छ साल तक का होता है कब तक जब बच्चा आपका दो साल से लेके छ साल तक का होता है तब इस प्रकार के गेम को बच्चा खेलना स्टार्ट कर देता है इसी स्टेज को, को कहा जाता है आपका टॉय एज इसी स्टेज को कहा जाता है यानी कि आपकी खिलौनों की अवस्था इसी स्टेज को कहा जाता है सबसे ज्यादा खिलौनों से इसी स्टेज के अंदर खेलता है हम भी इसी इसी स्टेज के अंदर खिलौनों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे ठीक है जैसे राजा रानी का ये खेल खेल लिया खिलौने से ऐसे खेल लिया ठीक है इसी स्टेज के अंदर बच्चा क्या काम करता है अनुकरण करता है यानी अनुकरण की जो अवस्था कहा जाता है वो भी इसी स्टेज को कहा जाता है किसका अनुकरण की अवस्था कहा जाता है वो भी इसी स्टेज को कहा जाता है अनुकरण किससे करता है बच्चा अपनी फैमिली से करना शुरू कर देता है सबसे फैमिली से करता है जैसे मान लीजिए लैंग्वेज को एक्विजिशन करना है जैसे अब बहुत बार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड कौन सा होता है ठीक है किसके लिए भाषा अर्जन के लिए तो भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव यानी सबसे संवेदनशील टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपका अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा क्योंकि छोटा बच्चा है छह साल तक का बच्चा है अपने घर में रहता है जो भाषा उसके घर में बोली जाती है जैसी भाषा उसके घर में बोली जाती है बच्चा उसको क्या काम करता है उसको अनुकरण करता है अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना ठीक है वैसी भाषा को कॉपी कर जाता करता है और सेम भाषा बोलना शुरू कर देता है ठीक है तो इसलिए जैसी भाषा बच्चों के सामने बोलोगे वैसी भाषा बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है ठीक है तो इसलिए भाषा अर्जन के लिए सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड इसको कहा हुआ है उसके अलावा इसमें क्या होता है बच्चे में वातावरण के प्रति बच्चे में वातावरण के प्रति ट्रस्ट और मिस्ट्रस्ट की भावना भी पैदा हो जाती है क्या हो जाती है वातावरण के प्रति ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की भावना भी पैदा हो जाती है विश्वास और अविश्वास की भावना भी पैदा हो जाती है छह साल तक का बच्चा है अब उसको पता है मेरे पड़ोस के अंदर ये मेरा अंकल है ये मेरी आंटी है ये मेरे पड़ोस रिश्तेदार है मेरे कोई भी नहीं है ठीक है तो बच्चा जान जाता है लेकिन अगर कोई अननोन आ जाएगा और अननोन आकर उसको कहेगा कि बेटा ये चॉकलेट है चलो वो तेरे पापा वहां पर खड़े तो उसको लेने वहां पर उन्होंने बुलाया तो बच्चा यकीन नहीं करेगा नहीं मुझको नहीं जाना वहां पर ठीक है आप तो अननोन मैं तो आपको नहीं जानता हूं तो बच्चे में इस तरीके से जो है ना ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की जो भावना होती है ना वो छह साल के बच्चे में लगभग डेवलप होना शुरू हो जाती है वो यकीन नहीं करता अनजान लोगों के ऊपर तो ये बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है उसके अलावा इसी स्टेज में बच्चा क्या काम करता है आ, आ, सेम जेंडर के आ, सेम जेंडर कह रहा हूं अलग अलग जेंडर के साथ खेलना शुरू कर देता है क्या काम करता है अलग अलग जेंडर के साथ भी बच्चा खेलना शुरू कर देता है जैसे लड़का होगा लड़की के साथ खेलेगा और लड़की होगी वो लड़के के साथ खेल लेगी कोई भेदभाव नहीं रहेगा दोनों आपस में खेलेंगे लड़का लड़कियां सब आपस में खेलते हैं इस स्टेज के अंदर ठीक है बाद में जाके अलग होता है भी बताऊंगा कब अलग होता है ठीक है तो ये सब होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है उसके अंदर ये बच्चा करना स्टार्ट कर देता है ठीक है तो समझ गए कल्पनाशीलता वाले गेम का आंसर क्या हो जाएगा आपका अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा आंसर आपका सेकेंड सही हो जाएगा ठीक है हैंड राइटिंग बहुत छोटा है सर इसको बड़ा कर लेना भाई लिख लिया करो दो चार पॉइंट थोड़ा सा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन क्या होगा थोड़ा सा जैसे समझ लिया करो आप तो मेरे ख्याल से आपको हैंड राइटिंग की दिक्कत नहीं पड़ेगी ठीक ये समझ गए बड़े भैया आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो ईवीएस का करता हूं मैं ये पेडागोजी के चैप्टर के साथ कुछ आपके ईवीएस के भी टॉपिक देखता हूँ थोड़ा सा ये है ना कि अभी जैसे सी टेट नहीं आया बी आर सेवेंथ फेज नहीं आया डी दिये, डीएसएस भी नहीं आया या आपका यूपी टेट सुपीटेट कुछ नहीं आया तो थोड़ा सा अभी एक आइडिया नहीं मिल रहा है एक बार आइडिया मिल जाए नोटिफिकेशन आ जाए तो चीजें क्लियर हो जाती है हमें ये एग्जाम है इसको निपटाना है ठीक है तो थोड़ा सा उससे आइडिया मिल जाता है तो चलो मैं कोशिश करूंगा ईवीएस की क्लास का भी कुछ पहले इसको कराते हैं ठीक है क्योंकि एक बार एक सब्जेक्ट तो हो जाए अच्छे तरीके से ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया मां बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बाल बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे संबंधित है मतलब माँ बाप को छोड़कर दोस्त यार जिसको प्यारे लगने लग जाते हैं वो कौन सी स्टेज हो जाती है अब कहोगे तो हमें भी बढ़िया है सर हमें भी बढ़िया लगता है अपने यार दोस्तों के साथ अब तो हमारे यार दोस्त बदल गए अब तो सिर्फ हमारा एक यारनी है एक यार है ठीक है जो हमें बहुत प्रिय लगते हैं तो अब तो सिर्फ हमारे लिमिटेड यार यार नहीं बन बच गए ठीक है तो हमें हम बात कर रहे हैं यहां पर सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसी और किसी की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है उसके अकॉर्डिंग उस हमको आंसर देना है ठीक है क्योंकि यहां पर बात हो रही है सिर्फ अडोलस की जो किशोर है परोड़ों की वृद्धों की यहां पर बात नहीं हो रही है तो अगर कोई यहां पर वीडियो देखने वाला है तो यहां पर वो परोड़ों की स्टेज में आ रहा है यानी वृद्धों की स्टेज में आ रहा है तो प्लीज अपने आप को यहाँ पर काउंट ना करें ठीक है तो चलिए देखते हैं माँ बाप के साय से बाहर निकलकर कौन अपने दोस्तों यारों की संगति को पसंद करता है उसके ऊपर आंसर देख लेते हैं ठीक है किशोरावस्था किशोरावस्था के अंदर देखे क्या होता है अभी इसके ऊपर भी हम आएंगे किशोरावस्था के अंदर जब बच्चा जाता है ना तो उनका एक्टिव सदस्य बन जाता है कि भाई मैं इस ग्रुप का परमानेंट मेंबर बनिए अब ठीक है तो मैं हमारी तुम्हारी दोस्ती अब पक्की हो गई अब तो भले ही मेरे घर वाले भी मुझे घर पे भी ना जाना पड़े कोई बात नहीं मेरे दोस्त यार मेरे साथ होने चाहिए इनफैक्ट वो अपना किशोरावस्था के अंदर तो इतना पक्का दोस्त बन जाता है अपनी जो सलाह भी होता है ना अपने दोस्त यारों से पूछ के लेता है उसके पाप ने कहा कि बेटा तुझे ये वाला कोर्स करना है मैं तो नहीं करूंगा राजू ने कहा है ये वाला कोर्स करना है उसके घर वालों ने कहा पिताजी ने कहा कि तुझे जो है ना ये वाली चीज करनी है मुझे नहीं करना ये वाली करनी है और फिर दोनों दोस्त बैठ के बतलाएंगे यार तेरा पिताजी तो पागल है हाँ यार सही कह रहा है तेरा पिताजी भी खैर पागल है हाँ यार सही कह रहा है यार दोनों के पिताजी बेकारे मिल गए हाँ यार सही कह रहा है तो वो दोनों जो है आपस में बैठ के क्या काम करते हैं इतनी बढ़िया जुगलबंदी बनती है दोस्तों की वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट में चले जाते हैं मतलब जो सलाह भी लेंगे ना सेंस के अंदर जो किशोर होते हैं वो आपस में एक दूसरे की सलाह मानते हैं इनफैक्ट अपने पेरेंट्स के बजाय तभी तो बच्चा विद्रोही हो जाता है किशोरावस्था के अंदर जाके ठीक है और तभी उनकी पेरेंट्स की नहीं बनती फिर पेरेंट्स तोड़ते उनको दबा के ठीक है अभी आने वाली है किशोरावस्था सबसे खतरनाक आने वाली उसके ऊपर बात करेंगे उसके ऊपर हम ठीक है तो ये तो आपकी होने से रही आपकी पीरियड ऑलसेंस नहीं ये हो जाएगी आपकी लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था आपकी हो जाएगी ठीक है तो उत्तर बाल्यावस्था का टाइम पीरियड आप लोग लिख सकते हो छह साल से लेकर बारह साल तक कहीं कहीं पर आपको इसको मिडिल चाइल्डहुड या फिर आपका इसका टाइम पीरियड छह साल से लेकर ग्यारह साल तक भी आपका दिया हुआ है बहुत कंफ्यूजन रहती है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको लगा देना जो भी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही बैठे ठीक है थीके? तो इस तरीके से आप लोग लगा देना और कोई भी वीडियो को अपने घर वालों के साथ मत देखना कभी वो मेरे ऊपर ही भड़क जाए ठीक है इस तरीके से आपको करनी है अब देखिए जो उत्तर बाल्यावस्था होती है उत्तर बाल्यावस्था के अंदर इसी स्टेज को कहा जाता है आपका खेलों की अवस्था इसको क्या कहा जाता है आपका खेलों की अवस्था यानी कि गेम स्टेज ठीक है इसको कहा जाता है आपका गेम स्टेज यानी कि खेलों की अवस्था अपने यार दोस्तों के साथ यार दोस्तों की कंपनी इसको पसंद होती है ठीक है यानी कि टोली या गैंग की स्टेज आप लोग इसको बोल सकते हो ठीक है टोली या गैंग स्टेज इसको बोल सकते हो गैंग बनाकर घूमते हैं गैंग बनाकर कैसे घूमते हैं एक दोस्त के गले में ऐसा हाथ डाल लिया दूसरा हाथ इस वाले दोस्त के गले में डाल लिया ठीक है और इस तरीके से गलियों में पार्क में घूमते चल रहे चल भाई चलो इधर में कहीं ना कहीं आज कहीं खेलेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे तो घूमते फिरेंगे बस गैंग बनाकर घूम रहे मजे में घूम रहे है और कुछ मतलब नहीं अपने दोस्त यारों से ठीक है सबसे जो इसके अंदर परेशान करने वाली जो एज होती है वो ये वाली एज होती है ठीक है परेशानी वाली जो एज होती है जिसके अंदर बच्चा सबसे ज्यादा जो परेशान करता है ना इस वाली एज में करता है घर वालों की बात नहीं सुनता है।, इस वाली एज के है किसके सेम जेंडर के साथ रहना शुरू कर देता है लड़का होगा लड़के के साथ खेलेगा और लड़की होगी तो लड़की के साथ रहेगी मतलब खेलेगी या रहेगी जो भी कुछ रहेगी अपोजिट जेंडर के साथ नहीं रहते ठीक है अपोजिट जेंडर के साथ नहीं रहते अपोजिट जेंडर जो रहते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर रहते हैं लेकिन जैसे ही लेटर के अंदर आ जाते हैं ना तो इनके गैंग ग्रुप बन जाते हैं लड़के लड़के के साथ रहेंगे लड़कियां लड़, लड़कियों के साथ रहेंगी ठीक है तो इस तरीके से लेटर चाइल्डहुड के अंदर ये अपना अलग अलग हो जाते हैं ठीक है थीके? लड़के लड़के हो जाएंगे एक साथ में लड़कियां लड़किया एक साथ में हो जाएगी ठीक है इस तरीके से रहना शुरू कर देते हैं इसी स्टेज के अंदर आपको स्टोरेज की प्रवृत्ति देखने को मिलती है ठीक है स्टोरेज की प्रवृत्ति यानी लड़के होते हैं वो कुछ चीज स्टोरेज करते हैं जैसे हम लोग जब स्कूल के अंदर पढ़ते थे मैंने बताया है तो डब्ल्यू डब्ल्यू के कार्ड को स्टोर स्टोर करते थे जोन सीना बटिस्टा अंडर टेकर के कार्ड को स्टोर करते थे और जो लड़कियां होती थी वो ऐसा मोर का पंख स्टोर करती थी हमने पूछा क्या करता है कहते इससे बुद्धि तेज होती है ठीक है बड़ा सा मोर का पंख ठीक है किसी की भी तेज नहीं हुई ठीक है तो ऐसे स्टोरेज की प्रवृत्ति रहती थी जो ये वाली स्टेज होती है लेटर चाइल्डहुड होती है संचय करने की जो प्रवृत्ति बच्चे के अंदर आती है वो इस स्टेज के अंदर आती है संचय करने की प्रवृत्ति इसी को कहा जाता है आपकी गंदी अवस्था भी इसको कहा जाता है डर्टी स्टेज इसको कहा जाता है ठीक है यानी बच्चों को सबसे ज्यादा जो मजा आता है इसी स्टेज के अंदर आता है पार्क के अंदर जाएगा खेल कूद करेगा ठीक है कपड़े गंदे कर लेगा खाना खाएगा कपड़े ऊपर गिरा लेगा स्कूल स आ रहा है रस्ते में कई गड्ढा दिख गया उसके अंदर कूद जाएगा तो सबसे ज्यादा गंदा होने में बच्चों को इस स्टेज के अंदर मजा आता है जो आपकी लेटर स्टेज होती है जो मैंने आपको बता दी ठीक है यहां पर आप लोग समझ गए ठीक यहां तक आप लोग समझ गए तो ये हो गई आपकी लेटर चाइल्डहुड की बात जो मैंने आपको सभी मेन मेन करके बता दिए आई होप आप लोग सब आज जो है ना अपने स्कूल के अंदर चले गए होंगे कि स्कूल के अंदर आप लोगों ने क्या क्या काम करा होगा बेसिकली यही से आपका क्वेश्चन निकलते हैं भाई गैंग एज पूछ लेगा गेम एज पूछ लेगा जैसे परेशान होता है मतलब जो आज्ञा का बच्चा जो उल्लंघन करता है वो किस स्टेज के अंदर करता है तो यही से क्वेश्चन तो आपके निकलते हैं ठीक है इसलिए इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको जीवन का अनोखा काल इसको कहा जाता है जीवन का अनोखा काल कहा जाता है अगर इसलिए आपसे कहा जाए कि भाई आपको एक मौका दे कि आपको कौन सी स्टेज के अंदर छोड़ दिया जाए कि जिसमें आप जीना चाहते हो तो आप कहोगे सर मुझको स्कूल वाली एज के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो सबसे बढ़िया टाइम पीरियड था जब स्कूल के अंदर हम रहते थे अपने दोस्त यार के साथ क्योंकि देखो टाइम पीरियड कितना है इसके अंदर टाइम पीरियड है इसके अंदर जब बच्चा छह साल के अंदर शुरुआत है तो छह साल के अंदर बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है तो स्कूल के अंदर वाला जो टाइम पीरियड है ना वो भूलने वाला टाइम पीरियड नहीं है ठीक है तो ये आपकी लेटर चाइल्डहुड के बारे में बता दिया जो आपकी लेटर चाइल्डहुड हो गई ठीक है चलिए बढ़ते भाई आपके अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ठीक है ठीक है। सन्नवादा की धरती से प्रणाम ठीक है भाई सभी को प्रणाम चलिए अगला क्वेश्चन है सामने आपकी स्क्रीन पर इसके ऊपर भाई नजर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है उसको क्या कहते हैं जो अडल्टूड की तरफ लेकर जाती है उसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है बाल्यावस्था की समाप्ति कहते हैं उसको या किशोरावस्था कहते हैं मध्य बाल कहते हैं पूर्व क्रियात्मक अवधि कहते हैं बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इसका तो आंसर आप लोग बता ही दोगे ठीक है जो वेस्ट होने की ओर लेकर जाती है तो जब बच्चा वेस्ट होने की ओर बढ़ता है तो समझ लो किसकी ओर बढ़ रहा है तो उसको कहा जाता है आपका अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था उसको कहा जाता है बेसिकली बच्चा जब वेस्ट होने की तरफ बढ़ता है ना तो वो फील तो उसको ही आता है कि यार मैं तो बड़ा हो रहा हूं मैं तो वेस्ट हो रहा हूं बट समाज और घर वाले उसको व्यस्क नहीं मानते वो मानते कि बच्चा ही है बट उसको फील होता है कि मैं व्यस्क हो गया तो पर हो जाता है किसके बीच में फैमिली और सोसाइटी के बीच में और बच्चे के बीच में क्योंकि वो खुद को मानता है व्यस्क और फैमिली उसको व्यस्क नहीं मानती वो मानती है ये अभी बच्चा ही है ठीक है तो किशोरावस्था की कि अगर हम बात करें तो इसके टाइम पीरियड की बात करें तो छह साल से लेकर अट्ठारह साल तक मान सकते हो इनके टाइम पीरियड के ऊपर आप मत जाना क्योंकि टाइम पीरियड बेसिकली बहुत कम का पूछा जाता है जब कभी किसी का टाइम पीरियड पूछा जाएगा जैसे बाल्यवस्था किशोरावस्था एक्सड एक पूछा जाए तो पर्टिकुलर आपका ये मेन टाइम पीरियड रहता है जैसे फॉर एग्जाम्पल किशोरावस्था अगर पूछ लिया जाए कि भाई डब्ल्यू के अनुसार ठीक है अगर पर्टिकुलर नाम देकर पूछ लिया जाए कि भाई डब्ल्यू के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड माना गया है वो कितना माना गया है तो डब्ल्यू के अनुसार किशोरावस्था का टाइम पीरियड दस साल से लेकर उन्नीस साल तक का माना गया है यानी जब आपकी व्यय संधि स्टार्ट हो जाती है बच्चों के अंदर पॉवर्टी पीरियड जो टाइम स्टार्ट हो जाता है लगभग का ये भी एग्जैक्टली exactly दस साल नहीं होता है ये हर किताब ने अलग अलग व्याख्या इसकी अलग अलग प्रकार से की हुई है ठीक है यानी दस साल से लेके उन्नीस साल मानी हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वरना मोटा मोटा टाइम पीरियड आपका होता है आपका सॉरी बारह साल से लेकर अट्ठारह मैं क्या लिख रहा हूं बारह साल से लेके अट्ठारह ठीक है <laughs> वो थोड़ा मेरे बोलने में गलत हो गया यानी 12 साल से गए 18 साल तक का इसका टाइम पीरियड होता है ठीक है तो इस तरीके से आपको ये टाइम पीरियड के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है अब जैसे किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के अंदर देखे क्या होता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर वो अपना सेम जेंडर अलग अलग जेंडर एक साथ रहते हैं ठीक है थीके? उनको जैसे वो लेटर चाइल्डहुड के अंदर जाते हैं तो अपने सेम जेंडर एक साथ रहना शुरू करते हैं लड़के लड़के के साथ रहते हैं लड़के लड़के एक साथ रहती है बट जैसे किशोरावस्था के अंदर जाते हैं तो इनके अंदर क्या होते हैं हार्मोन से रिलेटेड चेंज होना शुरू हो जाते हैं ठीक है ठीके? हार्मोन रिलेटेड चेंज आने इनके अंदर शुरू हो जाते हैं जब हार्मोन संबंधित इनके अंदर चेंज आने शुरू हो जाते हैं किशोरों के अंदर ठीक है तो क्या हो जाता है इनके अंदर आनी शुरू हो जाती है विषम लिंगी आकर्षण इनमें शुरू हो जाता है क्या हो जाता है विषम लिंगी आकर्षण इनके अंदर शुरू हो जाता है विषम लिंगी आकर्षण का मतलब होता है जो मेल होता है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो फीमेल होती है वो मेल की तरफ अट्रैक्ट होती है ठीक है यानी दोनों जेंडर एक दूसरे की तरफ को अट्रैक्ट होते हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके का जो आकर्षण है वो विषम लिंगी आकर्षण होता है जो हार्मोन की वजह से इनके अंदर आता है ठीक है उसी की वजह उसी में एक और चीज यहां पर देखने को मिलती है हीरो वर्शिप की भावना भी देखने को मिलती है किसकी हीरो वर्शिप यानी कि वीर पूजा की भावना भी देखने को मिल जाती है यानी जो किशोर रहते हैं ना अडोलसंस के अंदर जो किशोर रहते हैं वो किसी एक को अपना आइडियल मानकर उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं मान लीजिए किसी ने सचिन तेंदुलकर को माना किसी ने सलमान खान को मान लिया भाई इसके जैसी बॉडी बनानी है हालांकि अब तो वो बूढ़े की तरफ जा रहे हैं ठीक है ठीके? कि भाई इनके जैसी बॉडी बनानी है मुझे तो उनको वो फॉलो करके उनकी जैसी बॉडी बनाना शुरू कर देते हैं तो किसी को भी अपना एक आइडियल मानकर कोई अपने भगत सिंह जी को मान लेता है ठीक है तो उनको आइडियल मानकर उनको फॉलो करना शुरू कर लेते हैं किसके अंदर आपके एडोलसेंस के अंदर अपना स्टार्ट कर लेते हैं ठीक है यहां तक आप लोग समझ गए तो ये इस तरीके से कुछ आ, मैंने आपको किशोरा किशोरास्ता के बारे में चीजें बताई अभी इनसे संबंधित कुछ और चीजें जो आपको एक एक करके आएगी अच्छा इसी के अंदर एक बड़ा आ, बच्चों के अंदर कंफ्यूजन रहती है कंफ्यूजन रहती है आपने एक वर्ड सुना होगा सौमो ठीक है सौमो यानी कि नार्सिसिज्म यानी कि नार्सिसिज्म नार्सिसिज्म का मतलब होता है सौमो का मतलब होता है जब आदमी को अपने आप से प्यार हो जाए यार मैं इतना खूबसूरत क्यों हो भाई मैं खुद तारीफ नहीं कर रहा हूँ ठीक है कभी मेरे ऊपर टूट पड़ो मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर मैंने अपने आप को देखा और जब मुझे लगा कि मैं इतना खूबसूरत क्यों हो बेसिकली नार्सिसिज्म नाम का एक व्यक्ति था तो अपना तालाब के अंदर मुंह धो रहा था मुंह धोते हुए इसने देखा कि अरे यार तू इतना खूबसूरत है ठीक है तो वहां से एक बेसिकली पूरी जब मैं आपको फ्राइड पढ़ाऊंगा फ्राइड पढ़ाऊंगा तब थोड़ा उसके अंदर बता दूंगा आपको ये कहा से पूरा कंसेप्ट निकला था तो आपको बस इतना समझना है जब आदमी को अपने आप से प्यार हो जाए तो ये आपका नास होता है सौमो होता है खुद से प्यार होता है कंफ्यूजन यहाँ पर यह होती है कि ये आपका सहसो अवस्था के अंदर होता है या किशोरावस्था के अंदर होता है यहां पर भी इसके अलग अलग प्रकार से व्याख्या है कुछ किताब इसको सहसो अवस्था मान लेती है कुछ प्रकार किताब इसको किशोरावस्था मानती है बट आई थिंक इसको किशोरावस्था के अंदर लेना चाहिए जितना भी मैंने मोस्टली इसको जहाँ तक अभी फॉलो किया हुआ है क्योंकि किशोरावस्था के अंदर जो किशोर होते हैं वो ज्यादा सचेत रहते हैं ज्यादा सचेत रहते हैं अपनी आइडेंटिटी के प्रति सचेत रहते हैं ठीक है थीके? तो की के की भावना भावना के इसके अंदर आपकी ज्यादातर देखने को मिलती है ठीक है ये बात आप लोग समझ गए चलिए बढ़ते भैया आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा अगला क्वेश्चन आपका उत्तर बाल्यावस्था इसके लिए जीवन काल के दौरान हैविंग हस्ट के विकासात्मक कार्य क्या है यहां पर देखिए आपको दिए हुए डेवलपमेंट टास्क से संबंधित आपका हेमिंग हस्ट ने जो दिए थे उसमें आपका दिया हुआ कौन सा उत्तर बाल्यवस्था के दिए हुए कि उत्तर बाल्यवस्था के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क है ठीक तो है तो हैविंग हस्ट की थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो आंसर आ गया होगा नहीं पढ़ी होगी तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी ठीक है तो जैसे आपका कोई पेपर आ जाएगा तो तब इसको डिटेल में पढ़ा देंगे तो तब तक समझिए डेवलपमेंट टास्क मतलब जो पर्टिकुलर स्टेज होती है जेड कोई भी स्टेज होती है तो उसमें जो हर स्टेज के अंदर हमारे अंदर जो चेंज आते हैं और हर प्रकार के जो, जो चेंज आते हैं शारीरिक मानसिक रूप से जेड जो चेंज आते हैं तो वही आपके क्या होता है डेवलपमेंट टास्क होते हैं तो जैसे उत्तर बाल्यवस्था होती है ठीक है उत्तर बाल्यवस्था जो हमारी होती है तो उत्तर बाल्यवस्था के अंदर क्या रहता है उत्तर बाल्यावस्था के अंदर हैविंग ने जो बताई थी वो क्या बताई थी पहला ऑप्शन दिया होता है दिया इसने कि शारीरिक कौशल सीखना देखिए उत्तर बाल्यावस्था को मैंने क्या बताया था गेम स्टेज ठीक है यानी कि खेलों की अवस्था खेलो किसको खेलों की अवस्था जस्ट अभी बताया ना आपको खेलों की अवस्था तो खेलों की अवस्था इसको बताया हुआ है तो भाई शारीरिक कौशल तो बच्चा अपने आप ही सीख जाता है स्वयं के प्रति दृष्टिकोण भी प्राप्त कर लेता है हम उम्रों के साथ मिलना जुलना भी बच्चा सीख जाता है किसके अंदर आपका उत्तर बाल्यावस्था के अंदर ठीक है तो पहला ही आपका इसके अंदर जो ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा डेवलपमेंट टास्क का आपका हैविंग ने जो बताया था ठीक है ठीके? उसके अलावा जैसे और भी कई सारे पॉइंट है वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी कि जो सेक्स रहता है उसके बच्चे प्रति उचित दृष्टिकोण अपना अपना लेता है और उसके अलावा जैसे दैनिक जो एक्टिविटीज रहती है उसके प्रति जो जो चीजें उसको नीड रहती है ठीक है उनको अडोप्ट कर लेता है उसके अलावा जो गणना है रहती है और लिखना पढ़ना रहता है उनकी स्किल्स को सीख लेता है ठीक है तो ऐसे बहुत सारे जितने भी पॉइंट है तो उनको सब हम लोग करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो के अंदर अगर आपको ने पढ़ा होगा तो आ गया होगा वरना नया एक नंबर आपका गया है ठीक है तो आंसर इसका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं ठीक है ठीक है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्न इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल अवस्था में होगा ठीक मध्य बाल अवस्था की बात आ गई कभी कभी आपके एग्जाम के अंदर सिंपल तो यही पूछ लिया कि मध्य बाल अवस्था का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है तो टाइम पीरियड मैं बता रहा हूं आपको ऑथेंटिक कि जो आपका सीबीएसई बोर्ड है उसने कितना माना है तो मध्य बाल अवस्था का जो टाइम पीरियड माना हुआ है सीबीएसई बोर्ड ने वो माना हुआ है आपका छह साल से लेके ग्यारह साल तक और ये आपके पेपर में भी पूछा गया है ठीक है बट आप इसको छह साल से लेकर बारह साल भी मान सकते हो क्योंकि मैंने बताया हुआ है हर किसी ने ये जो आपकी साइकोलॉजी है पैडागोजी है सी जिसको आप लोग बोलते हो हर किसी किताब ने हर किसी मनोवैज्ञानिक ने हर चीज की व्याख्या अपने अपने अनुसार की हुई है ठीक है तो आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप लोग ऑथेंटिक प्रूफ के साथ इसको चैलेंज कर सकते हो ठीक है तो मध्य बाल अवस्था में क्या होगा क्या होगा भाई देख लेते हैं एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के द्वारा देखो काल्पनिक खेल जो बच्चा खेलना स्टार्ट कर देता है ना वो मध्य में नहीं करता वो आरंभिक बाल्यवस्था में शुरू कर देता है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर शुरू कर देता है जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताई थी तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया ठीक एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर लिए और तर्क कर सकता है ठीक है जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर लिए और तर्क कर सकता है ये बिल्कुल यहां पर ठीक बैठ रहा है एक तरीके से ठीक एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है संभावित कारणों की परिकल्पना हाइपोथेसिस तो बच्चा नहीं कर सकता ठीक है।, है तो हाइपोथेसिस वाला तो बिल्कुल नहीं बैठेगा एक बच्चा जो अभी स्तूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है तो छह साल का बच्चा यार स्थूल कौशल ठीक है ये तो पहली सीख जाता है बच्चा तो ये तो वैसे भी नहीं बैठेगा तो आंसर इसके अंदर बैठ जाएगा सेकंड आंसर आपका बिल्कुल सही बैठ जाएगा कि बच्चा तर्क कर सकता है ठीक सेकेंड आंसर सही बैठ जाएगा अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि, कि किस मनोविज्ञानिक ने किशोरावस्था को भावनात्मक क्रांति यानी इमोशनल रिवोल्यूशन की अवधि कहा है भावनात्मक क्रांति मतलब सबसे ज्यादा जो इमोशंस आते हैं बच्चे के अंदर वो किस स्टेज के अंदर आते हैं मैंने कहा ना सबसे ज्यादा जो भावनात्मक रूप से बच्चा जो टूटता है या सबसे ज्यादा जो भावनाएं बच्चे के अंदर आती है वो किस स्टेज के अंदर आती है तो वो आती है आपकी इसमें लिखा हुआ है किशोर अवस्था के अंदर आती है ठीक है मैं सोच रहा ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा तो यह स्टेटमेंट तो आपके स्टेनले होल ने किशो अवस्था के बारे में कहा है? है आपको आपकी डे ड्रीमिंग की अवस्था किसकी यह है आपकी डे ड्रीमिंग की अवस्था है यानी कि आपकी की अवस्था यानी दिन में सपने देखना जब आ, किशोर रहते हैं और एडोल्सन के अंदर रहते हैं एक बार बस पेपर पास हो जाए उसके बाद इंडिया में टॉप में, में मेरा नंबर आ जाएगा न्यूज पेपर में, में मेरी फोटो आएगी पप्पा मुझे तारीफ करेंगे शाबाशी देंगे मेरा नाम हो जाएगा और उसके बाद देखना दुनिया पलट दूंगा इस तरीके से दिन में ख्वाबी फुलाव ख्वाबी सपने देखते रहते हैं आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो दिन में ख्वाबी फुलाव ख्वाबी सपने देखते रहते हैं ठीक है तो ये जो दिन में जो सपने ख्वाबी फुलाव ख्वाबी सपने देखते हैं ये होता है आपके किसके अंदर आपकी डे ड्रीमिंग जो करते हैं किशोर अवस्था के अंदर होते हैं ठीक है ठीके? इसी के अंदर बच्चा तनाव लेता है ठीक है इसी न, तनाव की अवस्था भी किसने कहा है तनाव की अवस्था आपके स्टेनले होल ने ही तनाव की अवस्था भी इसको कहा है किल पैट्रिक ने इसको कहा है आंधी तूफान की अवस्था किल पैट्रिक ने इसको कहा हुआ है ठीक है किल पैट्रिक ने इसको आंधी तूफान की अवस्था कहा अच्छा आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा जरा कमेंट बॉक्स में बताओ भाई आंसर मत दो इसका पहले ये बताओ किल पैट्रिक ने क्या स्टेटमेंट दिया है आंधी तूफान किसने कहा है और जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है इन दो का आंसर दो मुझे अब सही आयो अब सही आयो ठीक है <laughs> जीवन का सबसे कठिन काल कहा है ठीक है तो आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है जरा आंधी तूफान के बारे में बताओ भाई सिर्फ आंसर मत दिया करो ठीक है समझा करो कि कोई अगर पूछ रहा है तो क्या पूछ रहा है सिर्फ आंसर देने में लगे रहते ठीक है आंसर कट लेविन है ऐसे तो रट्टू तोता हो, हो जाओगे आपने क्वेश्चन देगा इमोशनल रिवोल्यूशन और सीधा कट लेविन पेल दिया ठीक है ऐसा तो रट्टू तोता हो, हो जाओगे बात आपकी समझ में नहीं आ जाएगी थोड़ा सा समझ के दिया करो जो आंसर रहता है ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आपके एरिक्सन की तो एरिक्सन ने इसको बताया आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था बताया ठीक है आइडेंटिटी क्राइसिस की अवस्था बताया यहां पर बच्चों को अपनी आइडेंटिटी यानी पहचान के अंदर भ्रांति हो जाती है और पहचान के अंदर भ्रांति थी भ्रांति थी कह रहा हूं भ्रांति कैसे हो जाती है मतलब उसको ये लगता है कि यार मेरी कोई पहचान ही नहीं है ठीक है ऐसा लगता है कोई मुझे कुछ मानता ही नहीं है तो आगे जाके मेरा क्या होगा तो ये आइडेंटिटी की जो क्राइसिस हो जाती है ना बच्चे के अंदर वो उसके बारे में बताया था आपके एरिक्सन ने जिन्होंने अपना पर्टिकुलर स्टेज भी दी थी ठीक है अगर आप लोगों ने नहीं देखी पर्टिकुलर वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई हुई है उस वीडियो को आप लोग जाके देख लेना अच्छा एक चीज और है एक आपके वैलेंटाइन ने बताई थी एक वैलेंटाइन ने बताई थी किशोरावस्था को वैलेंटाइन ने क्या संज्ञा दी थी जरा उसके बारे में बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर कि इन्होंने किशोरावस्था के बारे में क्या संज्ञा दी थी इनका कमेंट बॉक्स में बताओ और थोड़ा सा ये चेंज करो कि जैसे आपको क्वेश्चन दिखा सीधा उसका आपने आंसर दे दिया ठीक है ये थोड़ा सा चेंज करो इसके इनके बारे में बताओ जरा कि इन्होंने क्या बताया था इसके बारे में बताओ ठीक है बताओ बताओ जल्दी डे ड्रीमिंग हो गया वैलेंटाइन ने क्या कहा था किशोर अवस्था के बारे में क्रिमिनल टेंडेंसी का जो डेवलपमेंट होता है ना बच्चे के अंदर ठीक है वो आपका किशोर अवस्था के अंदर होता है किसका क्रिमिनल टेंडेंसी का क्रिमिनल टेंडेंसी का जो डेवलपमेंट होता है इसका जो विकास होता है ना वो बच्चे के अंदर आपका किस और आगस, किस और होता है देखो कैसे होता है जरा उसको ध्यान से समझना आप लोगों ने कभी एक बात नोटिस की है जैसे कोई गैंगस्टर होता है ठीक है या जो कोई मर्डर होते हैं ज्यादातर या कोई बहुत बड़े लेवल का जो गैंगस्टर होता है उसकी जो हत्या करने वाले मिलेंगे ना वो नौजवान मिलेंगे वो मोस्टली आपको कम उम्र के मिलेंगे और 18 साल से कम उम्र वाले ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे क्यों क्योंकि उनको सजा ही नहीं होती अट्ठारह साल से कम उम्र वालों को सजा नहीं होती जो कोर्ट के अंदर जाएंगे थोड़ी बहुत टाइम की सजा होगी उसको काट कर वापस आ जाएंगे लेकिन उसकी जो शुरुआत होती है ना क्रिमिनल उसमें के अंदर जुर्म में जाने की जो शुरुआत होती है वो अडोलसेंस के अंदर शुरू हो जाती है क्यों घर वालों की तरफ से इतना पैसा नहीं मिलता खर्च करने के लिए ठीक है तो उसको अंदर ये वाली फीलिंग आती है कि यार मेरे भी तो खर्चे है मेरे दोस्त यार हो और भी मेरी चीज होती है जहां पर मुझको अपना खर्च करना है तो मैं पैसे लाऊ तो लाऊ कहां से मुझे भी अपनी इमेज बनानी है दोस्त यारों के साथ चीजें करनी है ठीक है बाहर करनी है तो मैं कहाँ से पूर्ति करूंगा भाई फिर वो बच्चा चला जाता है दूसरे किसी गलत राह पर तो यहाँ पर जो क्रिमिनल टेंडेंसी का जो डेवलपमेंट होता है ना इसलिए बच्चे में अडोल्सेंस के अंदर होता है तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है बच्चे के ऊपर वरना आगे जाकर बच्चा गैंगस्टर ही बनना है देखो अभी जितने भी मर्डर हुए हैं एक्स वाई जेड कोई भी उठा के देख लो जैसे अभी अतीक अहमद का मर्डर हुआ उसमें जिन्होंने मारा वो भी लड़के से ही थे कमी उम्र के थे वो भी ठीक है इसलिए ध्यान देने की जरूरत है ठीक है ये कहा था वेलेंटाइन ने कहा था ठीक है तो ये जितने भी स्टेटमेंट थे ये सभी यहां पर आपके हो गए ठीक और सारे के सारे तुक्के ए बी सी डी डी इससे बढ़िया तो आपको पोल लगवा दे पोल में बस टिक कर दिया और आपका काम खत्म थोड़ा सा लिखा करो स्टेटमेंट को ठीक इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल अवस्था के अंदर होगी बताओ अब बात हो गई आपकी मध्य बाल अवस्था के अंदर होगी एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल करना शुरू करा है यार मध्य बाल अवस्था की बात हो रही है मान लो चलो छह साल से गए ग्यारह साल तक की है छह साल का बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल में जाकर बच्चा नकल करना स्टार्ट कर देता है कॉपी करना स्टार्ट कर देता है और अपने समाज से समाज के अंदर स्कूल आ जाएगा टीचर आ जाएगा उससे नकल करना तो स्टार्ट कर ही देता है तो अभी नकल करना स्टार्ट थोड़ी उसने शुरू करा है एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है अमूर्त विचारों का पालन तो इसके बाद शुरू करेगी इतनी जल्दी पालन थोड़ी शुरू कर सकती है मूर्त विचारों का पालन शुरू कर सकती है ठीक है जैसा आपने पढ़ा होगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर तो जीन प्याजे ने बताई थी तो उसमें अमूर्त विचार का जो पालन है उसमें बाद में करती है ठीक है एक बच्ची जो सहकारात्मक खेलों में शामिल नहीं हो सकती गलत देखो जो बच्ची होती है ना वो कोलेबरेटिव और कोऑपरेटिव दोनों ही प्रकार की लर्निंग कर सकती है ठीक है यानी इंटरेक्ट करके भी कर सकती है और आपस में ग्रुप में बैठ के भी अपना लर्निंग कर सकती है इसने कहा नहीं कर सकती है तो ये भी गलत हो गया ठीक है एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण भी कर पाती है यानी कंजर्वेशन भी कर पाती है ठीक है आपको पता है जीन प्याने ने जब स्टेज दी थी तो कंजर्वेशन बच्चा कब स्टार्ट करना शुरू कर देता है क्रीट स्टेज में यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा स्टार्ट कर देता है ये कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है जब किसी चीज की क्वांटिटी के अंदर हम चेंज भी कर देते हैं ठीक है थीके? ये वो सेप और क्वांटिटी कह रहा हो शेप और साइज में चेंज करना स, कर देते हैं बट उसकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है ये आपका कंजर्वेशन होता है जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने दो गिलास ले लिए और उसके शेप और साइज में चेंज कर दिया बट उसकी क्वांटिटी पानी की सेम रही दोनों के अंदर ठीक है तो आपका कंजर्वेशन है जब बच्चा इस कंसेप्ट को समझ जाए तो यही आपका कंजर्वेशन होता है जो बच्चा सात साल से लेकर ग्यारह साल तक का बच्चा समझ जाता है ठीक है तो आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और आपका इलेक्ट्रा जटिलता शुरू हो जाती है देखो यहां पर आपका फ्रेंड के दोबारा दो कंसेप्ट आ गए ओडिपस और इलेक्ट्रा ओडिपस होती है आपकी लड़कों के अंदर इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है आपकी लड़कियों के अंदर ठीक है इसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसके पीछे भी बहुत, बहुत बड़ा विवाद हुआ था जब आपके फ्राइड साहब ने दी थी ठीक है और हालांकि फ्राइड साहब ने अपने तर्क दे देकर इसको जस्टिफाई किया था उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे ओडिपस का मतलब होता है जो लड़कों के अंदर ही जो आपकी ये पाई जाती है ग्रंथि पाई जाती है कि जो लड़के होते हैं या जो लड़कियां होती है अपने सेम अपोजिट जेंडर के प्रति लगाव रखती है यानी जो लड़का होगा जिसके अंदर ओडिपस रहती है वो अपनी मदर से ज्यादा प्यार करेगा मदर से ज्यादा लगाव करेगा जो इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है लड़कियों के अंदर वो अपने फादर से ज्यादा लगाव करेगी फादर से ज्यादा प्यार करेगी बजाय अपनी माँ से और लड़का अपनी माँ से ज्यादा प्यार करेगा बजाय बजाय अपने फादर से तो इसके ऊपर आलोचना भी हुई थी कहा था जरूरी थोड़ी है लड़का अपने पापा से भी ज्यादा प्यार कर सकता है लड़की अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार कर सकती है ठीक है और एक इसके ऊपर विवाद ये भी हो गया था जैसे ओडिपस नाम का ये राजा था तो इसको अपनी मदर से प्यार हो गया था तो मदर से प्यार होने के चक्कर में इसने अपने फादर को ही मार दिया ठीक है सेम उसी तरीके से इलेक्ट्रा नाम की राजकुमारी थी तो इसे अपने फादर से प्यार हो गया था ठीक है एक बहुत बड़ी स्टोरी है इनके पीछे तो उसके पीछे हम लोग नहीं जाएंगे तो ये जो ओडिपस और इलेक्ट्रा की जो जटिलता है जो ये भावना जो पैदा हो जाती है बच्चों के अंदर ये जो ग्रंथियों की जो डेवलप हो जाती है वो किस स्टेज में आती है हमें तो ये पढ़ना है ना क्योंकि हम लोग स्टेज पढ़ रहे हैं इन्फेंसी के अंदर इन्फेंसी से कोई मतलब नहीं है यह बाल्यावस्था में शुरू हो जाती है किसके अंदर बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड के अंदर शुरू हो जाती है किसके बच्चे के अंदर तो आंसर आपका सेकंड आंसर आपका शुरू हो जाएगा अब देखो जरूरी थोड़ी है मान लो कोई लड़का अपनी मदर से ज्यादा प्यार करता है लेकिन बहुत से लड़के ऐसे भी है जो अपने फादर से ज्यादा प्यार करते हैं और मदर से कम करते हैं या दोनों से ही ज्यादा प्यार करते हैं ठीक है तो फ्राइड साहब ने अपने तर्क दिए थे भाई ठीक है और कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा उनके बारे में तो आपको समझ में चीज आएगी या जो बच्चे डी ट्रिपल एस बी के अंदर कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा जब मैंने उनको चीजें पढ़ाई भी होगी कि फ्रेड सामने क्या क्या कीर्तिमान करे थे कैसे कैसे उन्होंने अपनी चीजें जान बचाई थी ठीक है तो वो सब कहानी मैंने उनको वहां पर बताई हुई है क्लास के अंदर डी ट्रिपल एस बी के कोर्स के अंदर अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है ठीक है तो शुरू में राघव को प्यार नहीं मिला अपने पेरेंट्स से जो भी रीजन रहे हो बट उसके बाद में उसको टीचर सही मिला सेंसिटिव मिला जिसने उसको अच्छी तरीके से समझाया प्यार करा बट फिर भी राघव को दूसरे लोगों पर ट्रस्ट नहीं हुआ भरोसा नहीं हुआ तो यहां पर पूछा डेवलपमेंट का कौन सा इशू या डेवलपमेंट की कौन सी टास्क आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही बैठेगी वह आपको बताना है बेसिकली डेवलपमेंट की कुछ डिबेट्स यहां पर दी हुई है बहुत सारी डिबेट्स है उनका कुछ का सोल्यूशन हो गया है कुछ अभी भी चल रही है और शायद कुछ का एक दो का चलती रहेगी आजीवन जैसी की संभावना कभी ना कभी तो सोल्व हो ही जाएगी ठीक है तो चार डेवलपमेंट यहां पर इशू दिए हुए इन चार इशू में से आपको बताना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा पहला दिया हुआ है डेवलपमेंट का जो इशू है डेवलपमेंट की डिबेट है कंटिन्यूटी वर्सिज डिसकंटिन्यूटी इशू यानी जो डेवलपमेंट होता है वो निरंतर चलता है या अनिरंतर चलता है इसके में में मैं बारे में मैंने आपको बताया था कि डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है मां के पेट से शुरू होता है गर्भ से शुरू होता है मृत्यु तो तक चलता रहता है जबकि डिसकंटिन्यूटी के अंदर ये बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है वो हर स्टेज के अकॉर्डिंग चलता है किसी स्टेज में ज्यादा है कम या हर स्टेज के अंदर परिवर्तन आते हैं तो ये डिबेट का क्या था कंक्लूजन निकला था सोल्यूशन निकला था और जिसमें कंटिन्यूटी जीत गई थी तो इस डिबेट का सोल्यूशन निकल गया था बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिबेट का कोई मतलब नहीं बनता दूसरा है अर्ली और लेटर एक्सपीरियंस इशू यह बिल्कुल फिट बैठ रहा है क्यों क्योंकि यहां पर जो एक्सपीरियंस मिले थे उसको अर्ली अर्ली एक्सपीरियंस मिले उसको गंदे क्यों क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको शुरुआत में प्यार नहीं दिया और शुरुआत में जब उसको प्यार नहीं दिया तो बच्चे के अंदर हीन भावना आ गई कि यार मुझको मेरे पेरेंट्स ने प्यार नहीं दिया मुझको कोई प्यार नहीं करता बट उसके बाद जब उसको उसका टीचर मिला ठीक है उसके बाद में कहा मिला उसको उसका टीचर मिला उसने उसको प्यार दिया वो सेंसिटिव था उसने उसको चीजें समझाई तो उसके बाद के जो उसको लेटर के एक्सपीरियंस मिले उसको इशू मिले तब भी उसे उस पर भरोसा नहीं मिला ठीक है तो इस डिबेट के थ्रू भी जो अर्ली एक्सपीरियंस है और लेटर एक्सपीरियंस का जो इशू चल रहा है तो इसका भी अभी नहीं मिला समाधान कि कितना प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है ठीक है तीसरा है नेचर और नर्चर का विशु की जो बच्चों का जो डेवलपमेंट है प्रकृति और प्रकृति और पोषण का जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ठीक है नेचर का मतलब है आपका हेरिडिटी नर्चर का मतलब है आपका एनवायरनमेंट इस डिबेट का आपका सोल्यूशन हो चुका है और ये डिबेट कहती है कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट नेचर और नर्चर दोनों का ही होना बहुत ज्यादा जरूरी है इसका आपका हो चुका है यूनिफॉर्मिटी और इंडिविजुअलिटी ये डिबेट के अकॉर्डिंग ये है कि जो विकास होता है वो इंडिविजुअली रूप से होता है या यूनिफॉर्मिटी या सबका एक पैटर्न के अकॉर्डिंग होता है जबकि जो विकास होता है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अकॉर्डिंग होता है यानी हर बच्चे का विकास जो होता है अपने इंडिविजुअल रूप से होता है ठीक है किसी का कम होता है ज्यादा होता है तो ये फोर्थ ऑप्शन इस बात को कहता है आंसर इसमें सेकेंड से ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ अर्ली और लेटर एक्सपीरियंस इसको बता रहा है कि शुरू में उसको गंदे मिले बाद में सही मिले लेकिन फिर भी बच्चे के को ऊपर कोई प्रभाव ज्यादा एहसास नहीं मिला ठीक है ये बात आप लोग समझ गए ठीक है भाई चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामने स्क्रीन पर आ गया कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन मिलता है यार देखो ये तो मैंने आपको शुरुआत में समझा दिया ठीक है जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन करी होगी तो उनको पता भी लग गया होगा कि प्रतीकात्मक खेल किस स्टेज के अंदर बढ़ते हैं तो बताओ भाई आपका किस स्टेज के अंदर बढ़ते हैं तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ठीक है भाई बिल्कुल सही इसमें तो आपका सेकंड इसमें बताने के लिए कुछ भी ना था क्योंकि सारी चीजें शुरुआत में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ठीक है भाई डीएसएचबी का बैच आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा प्ले स्टोर पर जाओ सचिन अकेडमी ऑफिशियल लिखो वहां पर आपको डीएसएसवी का मिलेगा ठीक है अगला क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर आ गया कि आरंभिक कल्पनात्मक भय इसकी आयु कितने साल तक गायब हो जाती है कौन से होते हैं आरंभिक कल्पनात्मक भय कि भाई बरगद के पेड़ के नीचे मत जाइयो रात के टाइम वहां पर भूत होते हैं ठीक है <laughs> भाई रात में छत के ऊपर मत जाइयो वहां पर भूत देखने को मिलते हैं भाई मैं तो खेतों में गया था और रात के टाइम पर मुझे वहां पर एक लेडीज दिखी और उस लेडीज की वाइट कलर की आंखें थी ठीक है तो ऐसे ऐसे मतलब जो चीज़ देखने को मिलती है कि भाई मैं एक बार शाम के टाइम जा रहा था मेरे सामने एक आदमी जा रहा था और भाई उसके चलते चलते जो है ना पैर ऐसे और भाई उसके पैर जो है ऐसे मुड़ गए पिछली तरफ जो है ठीक है तो ऐसी ऐसी जो कल्पनात्मक जो चीज है जो ऐसे जो शुरुआत के जो कल्पनात्मक भय है वो किस स्टेज में गायब हो जाते हैं मैं पक्का कह रहा हूं आप लोगों में से जितने वीडियो देख रहे हो ना अभी भी ऐसे कुछ ना कुछ कंसेप्ट लेके बैठे हुए हैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ जो अभी भी भूत प्रेत को मानते हैं मानते हो ना भूत प्रेत को कि भूत प्रेत होते हैं अभी भी कुछ बता देंगे सर जी हमारे गाँव में होते हैं ठीक है हमने कल ही देखा है हमारे खेतों में भूत प्रेत को तो अभी भी बता दोगे भूत प्रेत के बारे में ठीक है तो ये हो जाते हैं आपके 12 साल की उम्र तक किसमें आपकी 12 साल की उम्र तक ये आपके गायब हो जाते हैं यानी लेटर चाइल्डहुड की जो स्टेज होती है ना क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है ये वाला ठीक है कई बार लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में ये ऐसे कल्पनात्मक भय गायब हो जाते हैं और इसमें मेंशन कर देना कि सर जी हमारे गायब अभी तक नहीं हुए क्योंकि हमने देखा है ठीक है बरगद के पेड़ के नीचे एक बाबा जी बैठे रहते हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है पेपर में लिख के मत आ जाना वहां लिख देना कि लेटर चाइल्डहुड की जब स्टेज खत्म हो जाती है तब ऐसे कल्पनात्मक भय गायब हो जाते है जो हमने बना रखे हैं ठीक है इसको काट देना कभी वहां पर भी लिख कर आ जाओ ठीक आगे देखते हैं अच्छा कुछ और स्टोरी होगी आप लोगों के पास इसी तरीके की जो आप लोगों के गांव में या इधर उधर जो प्रचलित होगी जो आप लोगों ने बना रखी है ठीक है कभी भी गायब नहीं होता <laughs> तो भूत भूत प्रेत होते हैं मतलब भूत प्रेत होते हैं अच्छा किस कितनों ने देखा है भूत किसने देखा है अच्छा मैं मानती हूं सर अच्छा ठीक है आपको मिलने आता है ये मानते हैं इनको भूत मिलने आता है क्या कहता है भूत फिर इनसे <laughs> सर पढ़ा रहे कि डरा रहे हैं अरे नहीं ये कह रहे हैं तो भाई इन्होंने देखा होगा ठीक है क्या पता भाई वो बेड के नीचे वो कहावत है कि बेड के नीचे भूत रहता है जो आप लोग जैसे वीडियो देख रहे हो तो देख लेना बेड के नीचे रात में कभी बाथरूम में आ जाता है तो कभी छत पे भी आ जाता है तो खेतों में आ जाता है ठीक है तो पता है नहीं भाई कुछ भी होती है भाई सच्ची कहानियां ठीक है क्या पता बाल्यावस्था से क्या भी अभिप्राय है वो बताना आपको कि बाल्यावस्था से क्या भी प्राय है उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं ठीक है यह एक सामाजिक संरचना है ठीक है यानी एक सोशल कंस्ट्रक्ट है तो बिल्कुल ठीक है भाई सोशल कंस्ट्रक्ट है बाल अवस्था के अंदर क्या जाता है बच्चा शुरुआत में कौन सी स्टेज हो जाती है छह साल से शुरू हो जाता है यानी बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है अपने यार दोस्तों से मिलना शुरू कर, कर देता है पार्क वगैरह में घूमना स्टार्ट कर देता है ठीक है तो यानी क्या काम करता है उसकी सोसाइटी से इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है यानी समाज का निर्माण होना शुरू कर देता है सोशल कंस्ट्रक्ट होती है एक सामाजिक संरचना होती है ठीक है कैसी संरचना होती है सामाजिक संरचना होती है और साथ में ही उसको यह पता लग जाता है कि मैं क्या हूं मैं मेल हूं मैं फीमेल भी हूं यह भी उसको पता लग जाता है उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या होता है वो काम भी डिसाइड कर लेता है मेरे काम है वो काम है ठीक है यदि भगवान है तो शैतान भी है हां भाई अभिजीत मैं भी देख रहा हूं कुछ शैतानों को ठीक है भाई ये कभी पढ़ेंगे इनके बारे में पहला ही ऑप्शन ठीक है भाई एक शारीरिक संरचना नहीं है यह बच्चे के जन्म से लेकर उसके विद्यालय ले जाना शुरू गलत जन्म से थोड़ी शुरू होती है परिवर्तन भी आते है ठीक है आज देखो भाई किस, -किस के घर में भूत आता है एक मंत्र होता है भूत का अगर वो मंत्र पढ़ दो ना जितने भी जैसा आप वीडियो देख रहे हो ना आपके यहाँ पे भूत आ जाएगा अभी वो मंत्र मेरे पास है मेरे मोबाइल के अंदर वो पढ़ते ही आज भूत आ जाएगा आपके यहां पे ठीक है अभी मैं बताता हूं अपने छोटे भाई से बोलता हूं उस मंत्र को पढ़ता हूँ आज वीडियो के अंदर ठीक है और आज भूत आ जाएगा ठीक है आज देखते हो अरे नहीं पढ़ूंगा भाई पता चला कल क्लास लेनी ना हो आपको ऐसा ठीक है बेजती हो जाएगी अपनी इतने लाइव आते हैं रिकॉर्ड रहता है लाइव का नहीं पढ़ूंगा मंत्र ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते स्क्रीन पर आ गया कि किशोर पहचान की समझ विकसित करते हैं कब विकसित कर लेते हैं पहचान की समझ ठीक है अच्छा एक क्वेश्चन यहां पर यह आया था कि जो किशोर होते हैं ना अपना ज्यादातर टाइम किस में बिताते हैं किस में बिताते हैं ज्यादातर टाइम किशोर क्या काम करते हैं डे ड्रीमिंग यानी दीवा स्वप्न यानी ज्यादातर टाइम किस में बिताते हैं सोचने में ज्यादातर टाइम बिताते हैं ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है पूरे टाइम बस सोचते रहते हैं जो किशोर रहते हैं आपको ये बात ध्यान रखनी है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं ठीक है थीके? तो सोचने में बिताते हैं अपना ज्यादातर टाइम ठीक है और पहचान की समझ विकसित करते हैं किससे मूर्त स्तर पर कुछ सोच सकते हैं या मूर्त पर थोड़ी सोच सकते हैं कॉन्क्रीट पर अमूर्त से सूचवा लो कोई भी एब्स्ट्रैक्ट चीज उनसे पूछ लो आप लोग उस पर अपना वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया पिछली अवस्थाओं से जुड़ी दुविधाओं को हल कर सकते हैं बिल्कुल सही बात है जैसे पिछली अवस्था यही होगी भूत वाली अवस्था हो गई कि भूत होते हैं नहीं होते है ठीक है आज यही भूतों वाला चल रहा है भाई आपका ठीक है ठीक है अब बच्चों को यही कंसेप्ट समझना है बहुत होते हैं या नहीं होते तो दुविधा के अंदर बच्चा फंसा हुआ है तो बच्चा क्या काम करना शुरू करेगा बच्चा स्टडी करना शुरू कर देगा बच्चा इधर उधर से फैक्ट लाएगा और बच्चा इस चीज को पर रिसर्च करेगा कि क्या वाकई में ये चीज है या नहीं है बच्चा अपने धर्म ग्रंथों का सहारा लेगा उसमें देखेगा चीजें कि क्या ये वाकई में चीज है या नहीं है तो जो दुविधाएं उसके माइंड के अंदर है उनको सोल्व करने का बच्चा प्रयास करता है यहां पर ठीक है तो जो पिछली स्टेज के अंदर दुविधाएं थी उनको हल करता है बच्चा तो आंसर सेकंड है अपनी दीवा सपन की आदत को कम करता है दीवा सपन की आदत को कम नहीं करता सोचता ही रहता है इसके अंदर तो तभी तो डे ड्रीमिंग की अवस्था इसको कहा जाता है अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करता है कुछ नहीं करता वेस्ट करता है अपनी ज्यादातर जो एनर्जी रहती है ठीक है आंसर सेकेंड वाला इसके अंदर आपका सही रह जाएगा ठीक है चलिए बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा विकास के किस चरण में बहुत से हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं तथा अपनी पहचान की सक्रिय खोज पर बल होता है यार देखो हार्मोन वाला मैंने पिछली बार एक्सप्लेन करा था और अपनी पहचान पर सक्रिय खोज चाहता है ठीक है जो आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में आपके एरिक्सन ने इसकी स्टेज के बारे में कहा था वो चीज भी आ गई और हार्मोन से संबंधित जो चेंज बच्चे के अंदर आते हैं वो भी आ गई ये दोनों की दोनों बातें किस स्टेज के बारे में कही हुई है ये दोनों बातें कही हुई है आपके किशोरावस्था के बारे में कही हुई है कितने भूतों वाले इमोजी बना के भेज रहे हो आप ठीक है तो एक किसके बारे में कही हुई है आपके किशोरावस्था के बारे में कही हुई है आंसर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हुए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया ये रहा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पूर्वबद्ध परिचय यानी फोर क्लोज आइडेंटिटी ठीक है फोर क्लोज आइडेंटिटी वाले किशोरों का निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण सही है अब ये फोर क्लोज आइडेंटिटी क्या है एक ऐसी आइडेंटिटी जो पहले से ही क्लोज कर दी किसने किशोर ने ही बच्चा किशोरावस्था के अंदर गया किशोरावस्था के अंदर बच्चा जाने पर उसने क्या काम करा कि अब मैं कुछ नहीं बनूंगा अब मैं कुछ नहीं करूंगा जैसे मुझे मेरे घर वाले कहेंगे मैं उसी काम को करूंगा मेरे घर वालों ने कहा है कि बेटा तुझे मेरी दुकान संभालनी है तुझे मेरे समोसे की दुकान संभालनी है तुझे मेरा ये रेड़ा संभालना है और इसी को चलाना है ठीक है पापा मैं ये वाला काम करूंगा ठीक है और मैं कुछ काम नहीं करूंगा उसके दोस्त यार उन्होंने कहा कि बेटा पढ़ ले टीचर बन जाएगा डीएसएसवी का पेपर पढ़ ले सी टी का एग्जाम की तैयारी कर ले नहीं पापा ने कहा है कि ये रेडा संभालना है ये समोसे की दुकान संभालनी है इससे मुझे पैसे कमाने हैं ठीक है थीके? तो उसने अपनी आइडेंटिटी को क्या काम कर दिया पहले से ही क्लोज कर दिया कि मुझे कोई टीचिंग का कोर्स नहीं करना मुझे तो पापा ने बोला है मुझे ये अपनी दुकान संभालनी है और समोसे उबालूंगा और इतने समूह से रोज तलूंगा और इतनी कमाई करूंगा तो ये होती है फोर क्लोज आइडेंटिटी बेसिकली चार प्रकार की होती है आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इसके ऊपर आपको रखना है ठीक है तो ऐसे जो किशोर होते हैं ना बहुत आपके यार दोस्त भी ऐसे रहेंगे ठीक है कोई ना कोई जरूर होगा आपके यार दोस्तों में से ऐसा जिसको आप समझाते भी होंगे कि भाई कुछ कर ले कुछ कर ले ने, मुझे कुछ नहीं करना मेरे तो पापा ने सेट कर रखा है पूरा किसी लड़की से बात करोगे ए मुझे ज्यादा वादा कुछ नहीं करना ठीक है मैं तो मैं दो तीन साल तक कुछ अपना करूंगी घूमूंगी शोक करूंगी फिर ब्याह करके किसी और के खाऊंगी मैं आपके ठीक है तो इस तरीके से डायलॉग मारेंगे तो जिसने अपनी उनके संघर्ष में विकल्पों की खोज करना कौन सा प्रयोग कर रहे हैं कोई प्रयोग नहीं करा ना ही सक्रिय रूप से जैसा किसी ने कह दिया जैसा घर वालों ने कह दिया उस बात को मान लिया बस कोई प्रयोग नहीं कर रहे ठीक है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा अनुभवी संकट को हल करना कोई अनुभवी संकट को हल नहीं करना यह तो बस कॉपी कैट है जो कह दिया वो मान लिया ये भी गलत हो गया प्रतिबद्धताएं बनाना तथा अपने माता पिता के और अन्य सामाजिक सत्ताधारी दृष्टिकोण को अपनाना जो बात पेरेंट्स ने कही या जो और घर के अंदर सत्ताधारी है दादा दादी हो गए या कोई ऐसा रिश्तेदार ही आ, हो गया कोई कि भाई तुम अपने लड़के को हमारे पास भेजो हम इसे बड़ा ट्रेंड करेंगे ठीक है और हम इसको आलू की गज्जक बनाना सिखाएंगे ठीक है और इसको ऐसी आलू की गज्जक बनाना सिखाएंगे कि इसको ऐसा ट्रेंड कर देंगे आलू की गज्जक पूरे देश के अंदर इसी की चलेगी ठीक है तो ठीक है पापा मैं आलू की गज्जक बनाना सीख जाऊंगा और बाकी उसको और समझाते रहे कि पढ़ ले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर ले नहीं मैं तो गज्जक बनाना सीखूंगा ठीक है तो वो सिर्फ दूसरों को फॉलो करता है दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाता है और कुछ नहीं अपनाता ठीक है तो आंसर थर्ड अभी तक है किसी व्यवसाय या विश्वासों के एक समुच्चय के लिए कोई प्रतिबद्ध नहीं होना यह भी नहीं होगा आंसर थर्ड से ही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि गर्भावस्था में मस्तिष्क का विकास कब हो जाता है गर्भावस्था के अंदर जब बच्चा मां के पेट में होता है यानी गर्भ के अंदर होता है ग्यारहवें सप्ताह में नहीं चौदहवें सप्ताह में नहीं पांचवें सप्ताह में देखिए पांचवा जो सप्ताह रहता है ना तो पांचवें सप्ताह के अंदर जो ये होता है मस्तिष्क होता है इसका विकास हो जाता है और पांचवें सप्ताह के अंदर ही जो बच्चे का दिल होता है ना वो भी धड़कना स्टार्ट कर देता है ये दो चीज बच्चे के अंदर हो जाती है ठीक है तो ये पांचवें सप्ताह में बच्चे का स्टार्ट होना शुरू हो जाता है ठीक है तो आंसर आपका थर्ड आंसर सही हो जाएगा ठीक है ठीक चलिए बढ़ते वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगले क्वेश्चन के ऊपर एक बार नजर डालिए आंसर बहुत स्पीड से दे रहे हो सारे के सारे ठीक है भाई अगला दो आंसर अगले का आंसर देखिए नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यता देखा जाता है ठीक है नेगेटिव बिहेवियर कोई भी आप उनसे काम कहिए नहीं मैं नहीं करूंगा इस काम को घर वाले कोई भी काम कहेंगे बेटा इस वाले काम को कर लो मैं नहीं कहूंगा ठीक है राजू ये वाला काम कह रहा था मैं तो राजू की बात को सुनूंगा इस तरीके का नकारात्मक व्यवहार चिड़चिड़े रहते हैं जो बच्चे जो रहते हैं वो किस स्टेज में आपको देखने को मिलते हैं वस्था के अंदर इसमें नहीं रहते बेचारे मासूम से रहते दो साल के बच्चे खूब खिलाने का मन करता है ठीक है ये नकारात्मक व्यवहार वाले बच्चे आपको बताने हैं बाल अवस्था के अंदर नहीं किशोरावस्था के अंदर रहते नकारात्मक व्यवहार वाले आंसर आपका थर्ड सही हो जाएगा ठीक है बढ़ते अब आपके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर जो सामने आपका स्क्रीन पर आ गया उसके बाद मुझे अपना स्कोर बताना और देखो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहां पर लगभग आपका कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्लास को देखना सेकंड क्लास को देखना और आपने देखा होगा कितना डिटेल में इनको कराया गया है आई थिंक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से अगर आप लोग कोई भी एग्जाम देते हो शायद इससे बाहर आपका कोई को, को, कोई क्वेश्चन ना आए ठीक है और जब आपका कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर चीज आपको डिटेल में करवाई जाएगी ठीक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए पी अडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम इसका उद्देश्य क्या है ए पी को इसलिए लाया गया आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है एजुकेशन प्रोग्राम यानी जो किशोर होते हैं जब किशोर बड़े होते हैं और जब उनके अंदर व्यय संधि आती है ठीक है पॉबर्टी टाइम पीरियड आता है जो लड़कों के अंदर आ गया लड़की के अंदर आ गया तो जो उनके अंदर चेंज आते हैं बॉडी के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन उनके अंदर आते हैं तो घबरा जाते हैं जिसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था जब वो घबरा जाते हैं तो किससे सलाह लेते हैं वो लेते हैं सलाह इधर उधर मिस गाइडेड होके किसी उल्टे सीधे सोर्स के थ्रू और जहां पर वो फंस जाते हैं ठीक है थीके? और इसलिए ही सरकार द्वारा ये अडोल्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलाया गया कि अडोल्सेंस के अंदर जो किशोर होते हैं कुछ गलत स्टेप ना उठा ले कुछ ऐसा गलत काम ना कर दे जिससे उनका भविष्य बर्बाद हो जाए कुछ ऐसा काम ना कर दे जिससे दूसरे का भविष्य बर्बाद हो जाए तो ऐसा ये प्रोग्राम चलाया गया उन किशोरों के लिए ताकि वो खुद के और दूसरे के भविष्य को बचा सके और अपने देश को भी बचा सके ठीक है तो ये प्रोग्राम उनके लिए चलाया गया तो सीधा सा आपको आंसर के ऊपर आना है इसमें ऑप्शन के ऊपर बताइए प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था तो पहली बात तो ये समझ गए कि किशोरों के लिए चलाया गया था ठीक है ताकि जब वो उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन आते ना तो एक तो घबराए ना ठीक है अगर मान लीजिए कोई किशोर है अगर हॉस्पिटल में जाए तो आप पूरी जानकारी ले ले कि सर मेरे साथ ही आ रहे मेरे शरीर के अंदर ये चेंज आ रहे तो मतलब क्या है तो डॉक्टर बताएगा या जो भी अथॉरिटी होगी बताएगी कि भाई ये तो नेचुरल है ये सब चीज़ें इसका ये समाधान है फोन पे भी आप लोग आज की डेट के अंदर पूछ सकते हो क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने निकाले हुए जो लॉन्च किए हुए हैं ठीक है तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को बढ़ने की प्रक्रिया एच एड्स और जो मादक पदार्थ है उनकी बुराइयों के बारे में सटीक जानकारी देना कि देखो इनके जो मतलब ये जो बीमारी है ये जो चीजें इनके ये साइड इफेक्ट होते हैं और बढ़ने की प्रक्रिया बताना कि भाई एडोलसेंस के अंदर आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हो आपका शरीर किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है पूरी जानकारी देना एडोलसेंस के अंदर जितने प्रकार के स्टेप होते हैं या जितनी प्रकार की बुराइयां होती है उनके बारे में भी बताना किशोरों को इसका मुख्य उद्देश्य था आपका एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम का ठीक है तो फ्रेंड्स आपके टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपका डिटेल में एक्सप्लेन किया और ईमानदारी से मुझे बताइए ट्वेंटी में से आपका कितना स्कोर बना आई थिंक आपने क्लास को इंजॉय किया होगा सेकेंड क्लास आपकी कंप्लीट हो गई नेक्स्ट आएगी आपकी थर्ड क्लास ठीक है नेक्स्ट आएगी आपकी थर्ड क्लास और उसके लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कर देना ठीक है और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं लूंगा कोई नया टॉपिक उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको लूंगा पूछे अब आपको क्या क्वेश्चन पूछना है जो भी आपको नया क्वेश्चन पूछना हो ठीक है आप लोग पूछ सकते हो ठीक है भाई ठीक ठीक स्कोर आप लोगों का अच्छा आ रहा है ठीक ठीक स्कोर ठीक है आपका ठीक है भाई ये अभी मैं क्या काम करूंगा अभी जैसे CD भी चल रही है तो आ, जैसे नेक्स्ट वीक से ट्राई करूंगा इसके अंदर आपकी ईवीएस और जोड़ दूंगा ठीक है अगर मान लीजिए पेपर आ, कोई डिले होता है या नोटिफिकेशन नहीं आता है तो जोड़ जोड़ दूंगा इसको ईवीएस को वरना सीडीपी चलने देते हैं अभी सीडीपी को अच्छी तरीके से करते हैं आई होप आपको सीडीपी के अंदर इंटरेस्ट भी आ रहा होगा और आपके चैप्टर भी कंप्लीट हो रहे होंगे ठीक है क्योंकि चीजें डिटेल में करा रहा हो क्योंकि मेरा स्वभाव भी रहता है मैं खाली क्वेश्चन और आंसर पढ़ के मैं कराता भी नहीं हूँ मैं थोड़ा चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ जब करता हूँ तो ठीक है ठीक है सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं सर ठीक है भाई ठीक है अभी निकलेंगे एक बार नोटिफिकेशन आने दीजिए सारे निकल जाएंगे क्वेश्चन टेंशन मत लीजिए आप ठीक है अब बिहार का सेवन्थ फेज का मैंने आपको देखे ये बताया था अभी मैं पता है इसका बैच लॉन्च इसलिए नहीं किया जब तक चीजें क्लियर ना हो जाए लॉन्च करने का फायदा नहीं है एग्जाम तो कोई बड़ा नहीं होगा कोई भी सिलेबस आ जाए पैटर्न आ जाए कोई बड़ा तो होने वाला नहीं है ठीक है कोई बहुत बड़ा एग्जाम होगा बट जो भी आएगा ठीक है जैसा भी कुछ आएगा उसका एग्जैक्ट ये पता लग जाएगा भाई हाँ ये सिलेबस है ये पैटर्न है उसके बाद उसको निपटा देंगे बढ़िया तरीके से बट पहले पता हो जाए उसके बाद ही मतलब आपका कोर्स आएगा और फिर उसको अच्छे तरीके से करा देंगे ठीक है उससे पहले नहीं अंधेरे में तीर चलाने का फायदा नहीं है ना मेरी आदत है कि बस कोर्स कोर्स लॉन्च करते जाओ करते जाओ करते जाओ जो भी मुझे लगता है कि हाँ भाई एग्जाम आ रहा है सिर्फ मैं उसी का निकालता हूँ फिर बढ़िया तरीके से उसी की कराता हूँ मैं ठीक है और ठीक है ठीक <laughs> है भाई <वही>, ठीक है <laughs> आपके घर के पीछे भूत रहता है ठीक है भाई <laughs> रिया राज सचिन सर ठीक <laughs> है भाई हाँ यू के लिए भी हेल्पफुल है चलिए फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे कल आठ बजे इसी टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू